जादुई एसी। समरपुर नाम के गांव में एक धनवान रहता था। उसका नाम गब्बर था। वो बहुत कंजूस और बहुत ही लालची था। लोगों को धोखा देने में एक नंबर का आदमी था। उसके खेत को राहुल और प्रिया नाम के जोड़ी ने किराए पर लेकर खेती बाड़ी करते थे। किराए के पैसों को लाकर दोनों गब्बर को देते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। गर्मी का मौसम आया तो उनके घर में गर्मी ना सहन कर पाने के कारण हाथ से पंखा को हिलाते रहते। उनको बहुत मुश्किल होता था। गब्बर के घर में तो सब लोग बहुत अच्छे से ठंडे ठंडे एसी में आराम करते थे। एक दिन राहुल, उसकी बीवी प्रिया और बच्चों के साथ किराए के पैसे देने के लिए गब्बर के घर गए। वहाँ एसी से आया हुआ ठंडी हवा उनके बच्चों को बहुत पसंद आया। देखो पिताजी, कितना ठंडा है ना यहाँ पर। हमारे घर में क्यों हमेशा गर्मी रहती है? हाँ, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? वहाँ देखो, उसे एसी कहते हैं, उसी की वजह से इतनी ठंडी है। तो फिर पिताजी, हम भी करते हैं। हमारे घर में गर्मी सह नहीं पा रहे हम लोग। बेटी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, वो धनवान लोग ही लगा सकते हैं। मालिक जी, इन बच्चों को कुछ नहीं पता, ये लीजिए किराए के पैसे। फिर गब्बर पैसे लेते हुए बोला, क्या रे, खेत में अच्छे से पैसे कमा रहे हो ना? एक एसी खरीद के लगा लो अपनी बेटी के लिए। बस बस कीजिए मालिक, आप और तमाशा कर रहे हैं आप। और वे लोग वहाँ से चले गए। और तभी अचानक से एसी रुक गई और गब्बर ने गौर किया कि एसी के अंदर से केवल गर्म हवा ही आ रही है। तब उसके बाद मैकेनिक आकर देखा, ये एसी पूरा खराब हो गया है सर, इसे ठीक कराने से अच्छा है कि आप एक नया ही ले लीजिए। तब गब्बर सोच में पड़ जाता है। फिर वो राहुल से बोलता है, राहुल, जब से तुम्हारी बेटी ने एसी के लिए कहा है तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा एसी मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकर जाओ। अगर बाहर खरीदोगे तो 20,000 पड़ेंगे। वैसे भी मैं नई एसी खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें 2,000 में देने की सोच रहा हूँ, ले लो और कुछ मत सोचो। तब राहुल खुशी खुशी 2,000 रुपए देकर एसी को अपने घर ले गया। मैकेनिक की मदद से घर में एसी को लगवाया। मैकेनिक के एसी चालू करने के बाद भी उसमें से ठंडी हवा नहीं आ रही थी। फिर जो कुछ भी हुआ, राहुल ने मैकेनिक को सारी बात बताई। तब मैकेनिक ने कहा, अरे ये क्या किया रे तूने राहुल, ये खराब एसी है जिसे उनके घर में मैंने ही चेक किया था। उस कमीने ने तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना दिया है रे। जाओ जाकर उससे अपने पैसे वसूल करो। उसकी वजह से बच्चे जोर जोर से रोने लगे। हमें ठंडी हवा चाहिए, हमें ठंडी हवा चाहिए, क्यों ऐसे हुआ? तभी एसी में से ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। देखिए, मैं एक मायावी एसी हूँ। उस बदमाश के किए हुए धोखे को ना देख पाकर मैं जानबूझकर वहाँ खराब हो गया और मैंने नाटक किया। अब सिर्फ घर में ही नहीं, आप लोग जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ ही रहूँगी, आपको ठंडी हवा दूंगी, आपकी मदद भी करूँगी। तब सब मिलकर उस एसी को प्रणाम किए। जब राहुल और प्रिया खेत में जाते तो उनके ऊपर उड़ती हुई ठंडी हवा चलने लगती। बच्चे जब खेलते तब उनके ऊपर उड़ती हुई ठंडी हवा चलने लगती। रात को सोते समय भी ठंडी हवा चलने लगती। वे लोग जब गांव में पैदल जाते तो उनके पीछे उड़ती हुई ठंडी हवा देने लगती। ये देखकर लोग हैरान होने लगे। थोड़े दिन के बाद जब ये बात गब्बर को पता चली, उस बेवकूफ को तो मैंने खराब एसी दिया था, हाँ, फिर वो जादुई एसी में कैसे बदल गई? मुझे कैसे भी करके उस जादुई एसी को वापस लाना होगा। इस तरह गब्बर राहुल के घर जाकर उनकी खिड़की से देखने लगता है। वो देखता है अंदर राहुल और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। इस एसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और एक बात, गब्बर ने फिर से हमारे खेत का किराया बढ़ा दिया है। इतने पैसे अगर हम देंगे तो हमें क्या बचेगा, हम क्या खाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना कहते ही एसी ने कहा, बेटा तुम कुछ मत करो, तुम्हारे साथ हूँ मैं। उसका खेत और अब तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तो पैसा दूंगी, उससे तुम एक खेत खरीद लेना। एसी के ऐसा कहते ही उसमें से पैसे गिरने लगे। यह सब
ऐसा देखकर गब्बर दंग रह गया। रात को देखकर वह वहां जाकर एसी को चुरा कर अपने घर ले आया। फिर घर में लगाकर बोला, ए जादुई एसी, मैंने क्या कमी रखी जो तू मुझे छोड़कर तू उस राहुल के पास चली गई? हाँ, मुझे भी पैसे दे। तब एसी ने कहा, क्या रे कमीने, इतने पैसे हैं फिर भी पैसे चाहिए तुझको? रुको, तुम्हें जो चाहिए देती हूँ। एसी के ऐसा कहते ही उसमें से सांप बिच्छू आकर उसके ऊपर गिरने लगे। वे लोग उसको काटने लगे। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, ये एसी मार देगी, अरे बचाओ, कहकर वो भागने लगा। भागते भागते गब्बर जाकर एक कुएं में गिर गया। उसके बाद वो एसी पीछे मुड़ी और राहुल के घर चली गई, जहाँ राहुल और उसका परिवार चैन से सोने लगा। और इस तरह वे मेहनत और जादुई एसी की मदद से धनी हो गए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इस तरह की रोचक और जादुई कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल महा टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए महा टीवी। कंजूस सास और स्टाइलिश बहू। एक गांव में आंडालू और कावेरी नाम की सास बहू रहते थे। आंडालू पुराने जमाने की औरत थी, काफी कंजूस थी, लेकिन कावेरी नए जमाने की लड़की थी और बहुत स्टाइलिश थी। इस तरह के विपरीत गुणों वाले दोनों सास बहू बनकर हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहते थे। एक दिन गली में एक सब्जी वाले के साथ आंडालू सब्जियां खरीद रही थी। क्यों भाई, भिंडी कितने के दिए? 1 किलो 40 रुपए बाजी। क्या कहा, 40 रुपए? हे भगवान, सब्जियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। आपको कितने किलो चाहिए बाजी? मुझे 1 पाव काफी है। भिंडी आधा पाव, टमाटर आधा पाव, आलू आधा पाव, ऐसा करके सारी सब्जियां आधा आधा पाव बांधो। ये बात सुनकर सब्जी बेचने वाला दंग रह गया। बिना कुछ बोले आंडालू ने जो भी सब्जियां मांगी थी सारी देकर चला गया। आंडालू उन सब्जियों को लेकर रसोई घर में पहुंची। इधर कावेरी रसोई में अपने मनपसंद का खाना बना रही थी। आंडालू रसोई घर में पहुंचते ही बोलती है, हाय राम, मेरे रसोई घर का सत्यानाश कर रही है तू। इस तरह आंडालू रोने धोने लगी तो कावेरी बोली, हाँ क्या हुआ सासू माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? पूछती है क्या हुआ, यहाँ तू क्या कर रही है? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं बादाम हलवा बना रही हूँ। क्या, बादाम का हलवा बना रही हो? इस डब्बे में सारे बादाम खत्म कर दिए क्या तूने? हाँ। हाय राम हाय राम, इस डब्बे में पूरा आधा पाव बादाम रखा था, तूने सारा इस्तेमाल कर लिया क्या? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, वो बादाम मैं पूरे 2 महीने इस्तेमाल करने वाली थी। इसीलिए तो तुझे सब लोग कंजूस कंजूस कहते हैं। ऐसा बोलकर अपने प्लेट में हलवा रखकर वो रसोई से बाहर चली गई। लेकिन आंडालू अपनी बहू को गालियां दे ही रही थी। बैठे बैठे खाती रहती है, तुझे पचता कैसा है ये सब? हाँ, जैसे तुम बहुत मेहनत कर रही हो ना। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चली गई। इस तरह दोनों रोज किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहते थे। एक दिन कावेरी हॉल में बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी। हाँ चलो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मुझे एक मेकअप किट भी तो खरीदना है। ऐसा सोचकर वो देख रही थी। 1000 का छिछी अच्छा नहीं है, 2000 का ये भी ठीक नहीं है, 3000 4000 हाँ ये बढ़िया है। ऐसा बोलते हुए उसने एक महंगा सा मेकअप किट ऑनलाइन में बुक कर दिया। तभी आंडालू वहां पहुंच गई और बोली, अरे ओ क्या कर रही है तू, जब देखो तब टीवी और लाइट चालू ही रखती है तू, तेरी वजह से हजारों में करंट बिल आ रहा है, पता है तुझे? हाँ, अगर गर्मी लगेगी तो क्या करूँ मैं, बताइए।
हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोले बिना आपको चैन नहीं मिलता ना। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चली गई। दो दिन बाद कावेरी ने जो मेकअप किट ऑर्डर किया था वो घर आता है। कावेरी उस पार्सल को लेकर सीधे जाकर हॉल में रख देती है और सोचती है, हाँ, अभी नहीं, पहले नहा कर आऊंगी फिर मेकअप किट खोलूंगी, तब तक इसको यहीं रख देती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर के अंदर चली गई। उसके कमरे में जाते ही आंडालू हॉल में आती है और टेबल पर रखे हुए पार्सल को देखकर बोलती है, हाँ, लगता है पैसे बर्बाद करके कुछ और फिर से खरीद लाई है। पता नहीं क्या खरीदा होगा, पता नहीं कितना पैसा खर्च किया होगा। ये लड़की पूरे घर को बर्बाद करके ही छोड़ने वाली है, मेरे बेटे की सारी कमाई को तो ये। इस तरह मन ही मन वो अपनी बहू को गालियां दे रही थी। हाँ, इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। इस डब्बे में जो भी है ना, उसे मैं सेकंड हैंड वाले को बेचकर पैसे ले लूं तो थोड़ा पैसा तो बचा पाऊंगी ना। वैसे भी वो नहाने के लिए गई हुई है और वहाँ साबुन और शैम्पू रगड़ रगड़ कर नहाने में उसको एक घंटा लगेगा। इस बीच मैं इस डब्बे के बदले वैसा ही दूसरा डब्बा लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। इस तरह मन में सोचकर आंडालू उस डब्बे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस डब्बे को बड़े ध्यान से खोलकर उसके अंदर के मेकअप किट को बाहर निकाल लेती है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऊपर से ये मेकअप किट भी ऑर्डर किया है, वो और उसका लंगूर जैसा चेहरा। अभी तुझे मजा चखाती हूँ, रुक जा। ऐसा बोलते हुए उसने उस मेकअप किट को छुपा दिया। उसके बदले उस डब्बे में एक ईंट को रखकर उस डब्बे को वापस पैक करके वापस उसके पुराने जगह पर रख देती है। थोड़ी देर के बाद कावेरी नहा कर आकर उस डब्बे को लेकर खोलने के लिए बैठ जाती है। हाँ, अब इस पार्सल को ओपन करती हूँ। ऐसा सोचकर वो उस पार्सल को खोलती है। अंदर एक ईंट को देखकर कावेरी दंग रह जाती है। अरे रे, ये क्या, मैंने तो मेकअप किट ऑर्डर किया था, यहाँ तो एक ईंट आ गया। अरे ये कैसा वेबसाइट है, इसने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसका मतलब मेरे पैसे गए क्या? चलो जाने दो, ये नहीं तो दूसरे वेबसाइट में ऑर्डर कर देती हूँ। इस तरह वो मन में सोचने लगी। आंडालू उसकी ये सारी बातें आड़े से सुन रही थी। हाय मेरी बहू, तू फिर से ऑर्डर करने के लिए तैयार हो गई? देखती हूँ कैसे करती है। ऐसा सोचते हुए वो वहां से चली गई। आंडालू ने उस मेकअप किट को पड़ोस की लड़की को बेचकर उन पैसों को अपने जेब में रख लेती है। इस बार कावेरी दूसरे वेबसाइट से एक और मेकअप किट ऑर्डर करती है। दो दिनों बाद वो ऑर्डर भी घर आ जाता है। कावेरी उस पार्सल को टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाती है। उसके अंदर जाते ही आंडालू फिर से उस डब्बे को लेकर उसके अंदर के सामान को बाहर निकाल कर एक और रिंट रख देती है। इस तरह तीन चार बार हो जाता है। तब एक दिन कावेरी, अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं जो भी आइटम बुक करती हूँ उसके बदले मुझे सिर्फ ईंट ही मिल रहे हैं। लगता है अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, मुझे तो मेरी सांस पर ही शक हो रहा है, देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने एक और आइटम ऑर्डर किया। उस आइटम के आते ही उसने हमेशा की तरह उसे टेबल पर रखा और अपने कमरे के अंदर चली गई। उसके कमरे में जाते ही आंडालू आकर, इतनी बार तेरे आइटम्स चोरी हो गए फिर भी तुझे अकल नहीं आई क्या? ऐसा बोलते हुए उसने उस पार्सल को भी बदल डाला। दरवाजे के आड़े से ये सब देख रही कावेरी एकदम दंग रह गई। सासू माँ, तो ये तुम्हारी करतूत है? रुक जाओ, अभी तुझे मजा चखाती हूँ, अगली बार मेरे पार्सल को हाथ लगाने के लिए भी तू डर जाएगी। मुझे क्या उल्लू समझ के रखा है? ऐसा बोलकर अगले दिन वो बाजार जाकर एक पार्सल खरीद कर लाती है और उसे हमेशा की तरह टेबल पर रखकर अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही आंडालू उस पार्सल के पास पहुंचती है। इसके नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया खरीद लाती है, देखती हूँ इस बार क्या ऑर्डर किया है इसने। ऐसा सोचते हुए
उस पार्सल को थोड़ा सा खोलकर उसमें हाथ रखकर अरे रे, अरे सासू माँ, क्या हुआ सासू माँ? आपने उस पार्सल को खोला तो नहीं ना? तेरा पार्सल? अब मैं क्यों खोलूंगी? मुझे लगा कहीं आपने मेरा पार्सल तो नहीं खोल दिया। दरअसल उसमें एक बिच्छू है, अगर उसने आपको काट लिया तो अभी अस्पताल जाना पड़ेगा, कावेरी ने कहा। बिच्छू का नाम सुनते ही आंडालू डर गई, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए बोलती है, अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। आंडालू बोल रही थी तो कावेरी धीरे से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ, अगली बार मेरे सामान को छुएगी तो ये बात याद रखेगी। आज अकल आई तुझमें। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।